है हम क्या करेंगे, एक टॉपिक स्टडी करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा इजी कर देगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल तो बाद में सॉल्व होंगे। एक आखिरी दो टॉपिक्स और हैं, वो करने के बाद एकदम स्मूथ चैप्टर चलेगा, और उनमें से ये पहला टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं आपकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे के आज इसको बंद करूंगा, क्योंकि इसको टाइम चाहिए सीखने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जाते हुए अभी बंद नहीं करना, अभी है। तो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये बता देता हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन सीखने के लिए ध्यान से समझना, मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। उसने कहा ठीक है मैं निकालता हूं, और उसने वो डिस्क बनी हुई है रिंग से, जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे करके दिखाओगे पेपर में, जो मैं दूंगा आपको, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क या रिंग, तो आप लंबी सी इंटीग्रेशन करोगे और आंसर निकालोगे डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, करेक्ट। किसी ने कहा सर ये तो बड़ा लंबा तरीका हो गया इंटीग्रेशन का, आप इस सेम तरीके को, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के तरीके को आप सेंटर ऑफ मास से क्यों नहीं करते। आप ही ने बताया कि अगर इतने मास डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपने सारी प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास से किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेशन से कर दिया। उसको भी ऐसे बोलो ना कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम लेके सॉल्व करो, उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत है ही नहीं। काफी चीजें आसान हुई थी सेंटर ऑफ मास लेने से, तो इसको भी आसान कर दो। अब एक प्रॉब्लम है, अब मैंने कहा कि देख एक डिस्क है, ये रही डिस्क, कहता ठीक है ये इसका एक्सिस है, बिल्कुल ठीक, इसके अबाउट आई निकालना है। अब सेंटर ऑफ मास भी एग्जैक्टली इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, अब अगर मास इसके एक्सिस के ऊपर पड़ा रहेगा फिर आई क्या होगा, जीरो। अगर मैं सेंटर ऑफ मास लेता हूं और सीधा लगाता हूं तो बात नहीं बनेगी, आपके सामने नहीं आ पाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। पर उसने कहा कि अगर सेंटर ऑफ मास नहीं लगा पा रहे फिर पढ़ाए क्यों था, क्योंकि आपने इतना बड़ा सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिया और आप कह रहे हो कि नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा, फिर ये भी बता दो कि कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, तो फिर आंसर तो सेम आना चाहिए था। तो फिर किसी ने इंट्रोड्यूस किया रेडियस ऑफ गायरेशन। वो कहता देखो जैसे सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, पहले इस बात को समझो, ठीक है कोई डिस्टेंस होगा, समझ गए। और क्या डिस्टेंस है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपके पास एक डिस्क है और इस एक्सिस से आपने इंटीग्रेशन से आई की वैल्यू निकाली थी 1/2 एम आर स्क्वायर। तो सेकेंड मेथड ये कहता है कि आप इंटीग्रेशन मत करो, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो आप डिस्क को पॉइंट मास मान लो, ठीक है पॉइंट मास है, ये रहा एक पॉइंट मास एम ले लिया। इमेजिन करो ये पॉइंट मास इस एक्सिस के आसपास घूम रहा है और इन अ रेडियस ऑफ के, सब इमेजिनेशन है नहीं पता ही, ये पॉइंट मास नहीं है, पर मान लिया पॉइंट मास और उसका डिस्टेंस एक्सिस से के है, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर। तो उसने कहा जिसने ये टॉपिक बनाया कि आप इससे सॉल्व कर लो या पॉइंट मास लेके इससे सॉल्व कर लो, आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि मैं पॉइंट मास से करके दिखा रहा हूं, चाहे इमेजिनेशन में करके दिखा रहा हूं बट आंसर सेम आएगा, तभी कॉन्सेप्ट सही माना जाएगा। तो और अगर आंसर सेम आएगा तो हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के की वैल्यू आएगी 1/√2 इनटू आर। ये इमेजिनेशन के अंदर ये डिस्टेंस ले लिया और उसके अंदर ये डिस्टेंस निकाल दिया के, सच दैट अगर कोई ये बोलता है कि ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस तरीके से निकालूंगा, तो के की वैल्यू क्या पुट करेगा, r/√2 पुट करके देखो, r/√2 आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम। मतलब एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि अगर पॉइंट मास से सॉल्व करना है तो पॉइंट मास से सॉल्व करके आपको डिस्टेंस के लेना पड़ेगा, कुछ भी आर से बात नहीं बनेगी, सच दैट आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। आप कहोगे ये तो उल्टा और उलझन हो गई, हमने बड़ी मुश्किल से 2-2.5 लेक्चर लगा के प्रैक्टिस करके आए के वो समझा, आए के फॉर्मूले याद किए और हम अभी तक एडजस्ट हो चुके हैं, हम ठीक हैं उसमें, आए हमें याद हो चुके हैं, आसान है सब कुछ, आप उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड कर लो, अब कह रहे के भी ले लो, फायदा क्या, एम के स्क्वायर से आंसर तो एग्जैक्टली सेम ही आएगा, फायदा क्या।
इतना फायदा होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिना पेन को हाथ लगाए रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, और अगर जो नहीं करेगा उसको पेन हाथ लगा के दो चार लाइनें लिखनी ही पड़ेंगी। तो ये चिंता ना करो, ये आसान ही होगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भी एक तरीका है कि इमेजिनेशन में एम के स्क्वायर टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे एग्जांपल है, किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के की फॉर्म में क्या होगा किसी भी बॉडी का, एम के स्क्वायर सब इमेजिनेशन है क्योंकि बाय इंटीग्रेशन तो निकला नहीं। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का आए इंटीग्रेशन से क्या आया था 2/5 mr² अगर हम करें, और गायरेशन की फॉर्म में क्या आएगा एम के स्क्वायर। वो कहता बात तो एक ही है, इन्हें इक्वेट कर लो, तो इक्वेट करके एम से एम कैंसल, के स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 आ गई। आप कहोगे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करूंगा क्या मैं इसको निकाल के, नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करनी पड़ेगी ना, बताऊंगा इसका क्या करना है। अब जैसे डिस्क है, डिस्क का आई क्या होता है 1/2 mr² और गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वायर, वगैरह बात तो एक ही है, इक्वेट कर लो। इक्वेट करेंगे तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया 1/2। उधर रिंग है, रिंग का मोमेंट इनर्शिया एम आर स्क्वायर और गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वायर, तो क्या आ गया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1। आज के बाद अगर मैं आपसे किसी भी क्वेश्चन में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो पूछूं ना, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट नहीं करना, शॉर्टकट मारना है सीधा कि अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी एम आर स्क्वायर का कोफिशियंट है वही इसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। जैसे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr², तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो क्या होगी 2/5। जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1/2 mr², तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा 1/2। जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr² तो के स्क्वायर बाय 1 mr² तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा 1। यहां तक क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्यों किया अभी बताऊंगा, और एक मिनट और रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर दूं एंड में। टेक्निकली अगर स्कूल में आ जाता है दो लाइन में लिखने के लिए फॉर स्कूल, ऐसे नहीं समझाना, ऐसे समझाना है। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मान लो आपने एक बॉडी को लिया, उस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स लिए और ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला m₁ r₁² m₂ r₂² अप टू mn rn², लेकिन दूसरा तरीका किसी स्टूडेंट ने क्या यूज किया रेडियस ऑफ गायरेशन का m के, बात तो एक ही है, दोनों को इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट किया तो मास नीचे आ गया, मान लिया सभी मासेस इक्वल साइज के हैं छोटे छोटे mm, तो m₁ m₂ m₃ m है। टोटल मास अगर मान लो n पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास छोटा m है, तो टोटल मास की जगह क्या लिख सकते हैं n into m। ये देखो टोटल मास की जगह सीधा देखो, एक पार्टिकल अगर स्मॉल m साइज का है, n पार्टिकल है बॉडी में, तो टोटल मास n into m। m कॉमन निकाल के कट गया इससे, तो k का ये फॉर्मूला आ गया। k को डिफाइन कैसे करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज, ये क्या लिया मैंने अंडर रूट, मैंने क्या निकाला मीन एवरेज, किसका एवरेज, सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का एवरेज, इसलिए इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर ऑफ किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ, ये लिख के आना है अगर आपसे कोई पूछे, और ये कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि r₁ r₂ का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक, बाकी जो पार्ट है बीच में रह गया, क्यों किया परसों बताऊंगा क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके न्यूमेरिकल एकदम स्मूथ हो जाएंगे। अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे।